हरियाणा के सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर एक छोटा हाथी और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 12 व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। 11 घायलों में 5 को PGI खानपुर और 6 को PGI रोहतक रिफर किया गया है। घायलों में 2 बच्चे भी हैं। पुलिस हादसे को लेकर छानबीन में जुट गई है। बताया गया है कि कुछ परिवार एक छोटा हाथी में सवार होकर UP में अपने घरों को जा रहे थे। मुरथल के पास उनकी गाड़ी नेशनल 44 पर खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में छोटा हाथी बुरी तरह टूट गया। इसमें सवार दर्जन भर व्यक्ति घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने घायलों को सोनीपत के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में एक महिला की PGI में मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान उत्तर प्रदेश संभल जिले गांव डबखरा में रहने वाली मीना के तौर पर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।